सेल्फ प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, जो नेक्स्ट हेडिंग है एस्टिमेटिंग सम एंड डिफरेंसेस, इसको ऐसे कट कर देना है, ठीक है। इसे ऐसे कट कर देंगे, इससे रिलेटेड जो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं उसको भी कट कर देंगे, और इससे रिलेटेड जो यहाँ पर सेल्फ प्रैक्टिस 4G है उसको भी कट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट हमें करना है चैप्टर टेस्ट, इसको हम कल करेंगे नोटबुक में, जब आपको नोटबुक मिल जाएगी। और ये जो मेंटल मैथ्स है इसको हम अभी बुक में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मेंटल मैथ्स में क्वेश्चन ज़्यादातर वर्बली किए जाते हैं, मतलब उनको पूरा सॉल्व करना नहीं होता है, उनका आंसर फाइंड आउट करना होता है। लेकिन फिर भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम बुक के अंदर ही छोटा सा थोड़ा सा कैलकुलेशन करके उसका आंसर फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द बॉक्सेस। वन इज 60 माइनस 40। तो 60 माइनस 40 मीन्स 6 माइनस 4 कितना होता है 2, और 0 का 0। तो 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। बी पार्ट, टेक अवे 80 tens फ्रॉम 10 tens। 10 tens का मतलब कितना है 100, है ना। एंड 80 ones का मतलब कितना है 80, ठीक। तो टेक अवे 80 ones फ्रॉम 10 tens, कि अगर हम 10 tens में से 80 ones माइनस कर दें तो क्या आएगा, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 8 नहीं होगा, तो इधर से बोरो करके 10, 10 माइनस 8, 2, क्या आंसर आएगा 20। नाउ सी पार्ट, सब्ट्रैक्ट 2600 फ्रॉम 8300। 8300 का मतलब 8300, एंड 2600 का मतलब 2600। माइनस करो, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 6 नहीं होगा, इधर से बोरो लेंगे, ये बन जाएगा 13 और ये 7, 13 माइनस 6 7 एंड 7 माइनस 2 5, तो यहाँ आ जाएगा 5700, ओके। नाउ क्वेश्चन 2, 700 लेस देन 999 से 700 कम, क्या होगा, उसके लिए 999 में से 700 को माइनस कर देंगे। 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 7 2, सॉरी, तो आंसर होगा 2099। नाउ थर्ड इज 7156 माइनस 3156। वैसे तो ये ओरली भी हो जाएगा, लेकिन हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर। 7156 माइनस 3156, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 3 4। अगर इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको क्या करना है, साइड में ऐसे एक लाइन खींच के उसको लिख देना है रफ वर्क या वर्किंग, और उसमें इस तरह के सॉल्व करने हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4000। नाउ 7500 माइनस डैश इज इक्वल टू 7000, कि 7500 में से क्या माइनस करेंगे कि 700 आएगा, उसके लिए 7000 आएगा, उसके लिए 7500 में से हम 7000 को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5 एंड 7 माइनस 7 0, तो आंसर आया 500। तो अगर हम 7500 में से 500 माइनस करेंगे तो आंसर 7000 आएगा। 0 इज इक्वल टू 76 माइनस 0 कब आएगा, 76 में से हम क्या माइनस करें कि 0 आएगा, किसी नंबर में से क्या माइनस करते हैं तो 0 आता है, अगर हम किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस कर देते हैं तो आंसर 0 आता है। तो 76 में से हम 76 को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पर क्या है, एक सम दिया हुआ है लेकिन उसमें कुछ डिजिट्स मिसिंग है। तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 3 में से हम क्या माइनस करें कि 2 आ जाए, तो हम 3 में से
2 को माइनस करके पता कर सकते हैं, 3 माइनस 2 क्या होगा 1, है ना। तो 3 में से 1 माइनस किया तो क्या गया 2। अब क्या यहाँ पर ऐसा नंबर है कि किस नंबर में से हम 2 को माइनस करें तो 5 आ जाए, इसके लिए हम 5 और 2 को प्लस कर देंगे। जब चेक करते हैं आंसर ऐसे ही चेक करते हैं ना, माइनस का सम जब हम चेक करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, तो वही चीज़ हमें यहाँ करनी है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से 2 माइनस करने पर 5 आए, तो हम 5 और 2 को प्लस कर देंगे। तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। अब 7 में से 2 को माइनस करके देखो 5 आ रहा है कि नहीं, 7 माइनस 2 तो 5 ही होता है। अब 5 में से हम क्या माइनस करेंगे, 2 आए, उसके लिए हम 5 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 7, व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन 7385। डिफरेंस किसका, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 80, एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इनका डिफरेंस पूछा है, मीन्स इसमें से इसको माइनस करना है। तो 80 माइनस 8 7, 10, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, और 7 का 7। तो इन दोनों की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा, 72। ओके, नाउ राइट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू इन ईच सर्किल। उसके लिए हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, 59 प्लस 16, 6 एंड 9 17, कैरी 1, 5 एंड 1 6, 6 एंड 1 7, यानी आंसर आया 77। और इधर क्या है, 85 माइनस 10, इसका मतलब 75। तो 77 और 75 में से 77 बड़ा है, इसलिए ये ग्रेटर देन का साइन आएगा, ठीक है। नाउ 39 माइनस 20, 9 माइनस 0 9, एंड 3 माइनस 2 1, यानी 19, एंड 29 माइनस 10, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 1 1, यानी 19। तो दोनों साइड 19 इक्वल है, मीन्स यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 3901 प्लस 99, कि 3901 और 99 को प्लस करके जो नंबर आएगा उसका प्रेडिसेसर क्या होगा। तो पहले हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 3901 प्लस 99, 9 एंड 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 एंड 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 एंड 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 एंड 1 4। इन दोनों को ऐड करके नंबर क्या आया, 4000। अब 4000 का प्रेडिसेसर, 4000 का प्रेडिसेसर मीन्स 4000 के पहले वाला नंबर क्या होगा। 4000 में से 1 को माइनस करें क्या आएगा, माइनस करके देखना है, ठीक है। मैं यहीं पे करती हूँ छोटा, प्रेडिसेसर कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1 माइनस करके ना, या तो आप बैकवर्ड काउंटिंग कर लीजिए, कर सकते हैं इजीली, तो और नहीं तो 1 को माइनस करेंगे। तो 1 माइनस करने के लिए ये इससे बोरो लेगा, ये इससे बोरो लेगा, ये इधर से बोरो लेगा, तो ये हो गया 3, ये हो गया 10। अब ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, ये रह जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 और ये रह जाएगा 9। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 0 0 क्या है, है ही नहीं, तो 9 का 9, इस 9 का भी 9 और 3 3, यानी इन दोनों को प्लस करके आया 4000 और 4000 का प्रेडिसेसर होता है 3999। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इज द नंबर ऑन सिंप्लीफाइंग 1100 माइनस 100 प्लस 33 इवन और ऑड। क्या पूछा है कि इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो इवन है या
ऑड, तो इसके पहले हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इन दोनों प्लस वाले नंबर्स को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 1100 प्लस 33, 03 03 3, 1 का 1 एंड 1 का 1। अब इसमें से 100 को माइनस कर देंगे, 1 1 3 3 में से 100 माइनस करेंगे, 3 माइनस 0 3 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 1 0 एंड 1 का 1। तो ये जो नंबर आया है वो इवन है या ऑड है, ये ऑड नंबर है क्योंकि इसके वंस की प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 नहीं है। अगर 0 2 4 6 या 8 होता तो ये इवन होता, लेकिन नहीं है तो ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये काम आपको बुक में ही करना है, ठीक है। तो बुक में ही करना है, जहां आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है तो आप उसको सॉल्व करके भी बुक में दिखाएंगे, ठीक।